5 simple steps to fix any LED TV problem. First, look at the fault. Second, find the section in which fault reside. Third, check voltage in that section. Fourth, if voltage is loading, isolate area and find the cause. Fifth, remove the defective component and fix a new one. अब सबसे पहले क्योंकि फॉल्ट को देखना है तो यहाँ वर्टिकल लाइंस नज़र आ रही है, पिक्चर नहीं आ रही है, तो आपको पहले चेक करना है कि आवाज़ आ रही है या नहीं। सिर्फ पिक्चर नहीं है, आवाज़ आ रही है और बैक लाइट भी जल रही है, तो ये पैनल साइड में फॉल्ट है। तो आपको सेक्शन मिल जाएगा कि कौन से सेक्शन में फॉल्ट है। अब हमें पहचानना है कि पैनल में फॉल्ट है या मदरबोर्ड में फॉल्ट है, तो उसके लिए हमने यूज़ किया है मदरबोर्ड टेस्टर, जिससे हमने चेक कर लिया कि मदरबोर्ड में कोई भी गड़बड़ी नहीं है, जो प्रॉब्लम है वो है पैनल के अंदर। अब नेक्स्ट स्टेप होता है, क्योंकि अभी हमें सेक्शन मिल गया है कि किस साइड में फॉल्ट है, मदरबोर्ड में नहीं है, पैनल की साइड है, तो हमें पैनल ओपन करके चेक करना है। टिकॉन के वोल्टेज चेक कर रहे हैं, 12 वोल्ट टिकॉन पे ओके है। VGH मिसिंग है, 27 वोल्ट होना चाहिए था, मिसिंग है। VGL -5 वोल्ट ओके है। VDD 5.6 वोल्ट है, जबकि 16 वोल्ट होना चाहिए था, ये डिफेक्टिव है। 1.8 वोल्ट ओके है। हम लेफ्ट साइड की FFC केबल को निकाल कर VDD सप्लाई चेक कर रहे हैं। लोडिंग अभी भी है, 5.7 वोल्ट बता रहा है। सो अभी हम क्या करेंगे, FFC केबल को दोबारा लगा देंगे लेफ्ट साइड की, और राइट साइड की FFC केबल को निकाल कर चेक करेंगे कि लोडिंग सही होती है कि नहीं। अब नेक्स्ट काम है राइट साइड की FFC केबल को निकालना और लेफ्ट साइड की दोबारा लगा देना। और हम अब चेक कर लेते हैं VDD सप्लाई, जो कि 16 वोल्ट होना चाहिए, उसकी जगह क्या है। सो यहाँ हम जब चेक करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं 15.7 वोल्ट बता रहा है। सो हमारी जो राइट साइड की पैनल की पीसीबी में जाने के बाद ये वोल्टेज लोडिंग हो रहा है। सो अब हमें पूरी पैनल ओपन करके चेक करना है कि एग्जैक्टली पैनल के उस भाग में क्या प्रॉब्लम है। अब हमें पता चल गया है कि पैनल के इस भाग में फॉल्ट है। अभी हम क्या करेंगे, टेम्परेचर टेस्टर से कॉफ की रीडिंग लेंगे। यहाँ पर मैं जो ये कॉफ चेक कर रहा हूँ, यहाँ पर 24 डिग्री सेंटीग्रेड बता रहा है। अब हम सेकेंड कॉफ चेक कर रहे हैं, यहाँ पर ये 39 डिग्री बता रहा है, जबकि 24 डिग्री, ये जो मैं फर्स्ट कॉफ चेक करता हूँ तो 24 डिग्री बता रहा है। समय है कि हम डिफेक्टिव कॉफ को पीसीबी से हटा दें और चेक करें कि डिफेक्टिव कॉफ हटाने के बाद सभी वोल्टेज नॉर्मल होते हैं या नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 15.7 वोल्ट VDD सप्लाई आ गई है। इस कॉफ को निकालने के बाद ये रिपेयर हुआ, तो सेकेंड कॉफ डिफेक्टिव थी। अब इसका एक ही हल है, हम नई कॉफ लेंगे और बॉन्डिंग मशीन के थ्रू इस कॉफ को रीइंस्टॉल करेंगे। इस सिंपल 5 स्टेप से हम कोई भी प्रॉब्लम फिक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब बटन का यूज़ कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए और नोटिफिकेशन फॉर ऑल कीजिए, ताकि जो मेरे नए वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशन आपको देखने मिलेंगे आपके मोबाइल स्क्रीन पे, और सबसे पहले मेरा वीडियो देख पाओगे। शुक्रिया दोस्तों ये पूरा वीडियो देखने के लिए। थैंक्स अ लॉट, बाय।